सुंदर बने कि बस इंद्रा के दरबार में रंभा अप्सरा भी शर्मा जाए। और भगवान वहीं जाके प्रकट हुए जहां देवता और राक्षस आपस में लड़ रहे थे। बड़े सुंदर भगवान जब प्रकट वहीं स्त्री के रूप में हुए तो देवता भी लालायत हो गए और राक्षस भी लालायत हो गए। और देखा भी होगा अगर कोई सुंदर स्त्री 10-5 लोग खड़े हों और मोहल्ला में कहीं किसी की साली आ जाए और निकली जाए तो बस अम्पाल भैया वार कहने लगे जे कहाँ की है, बड़ी देखने में ठीक ठाक सी है। अब राक्षस भी देख रहे हैं और देवता भी पूछते हैं कहाँ रहती हो, कहाँ जा रही हो। भगवान कहते हैं बस मैं राजा बलि को ढूंढ रही हूं। और बलि के ही हाथ में जो था अमृत का घड़ा था। भगवान ने कहा कहो अप्सरा हो, गंधर्व कन्या हो, किन्नर कन्या हो। एकदम जवाब दिया ना गंधर्व कन्या हूं ना किन्नर कन्या, देव कन्या हूं और मैं विवाह के लिए आई हूं। तो सैकड़ों देवता बोले हमसे कर लो विवाह, हमसे कर लो विवाह। जवाब दिया मैं बलि को पूछना चाहती हूं कहां है वो। और बलि युद्ध लड़ रहे थे उस समय। एक राक्षस ने कहा महाराज तुम्हारे लिए महा सुंदर कन्या सामने जो खड़ी है बुला रही है। बलि ने कहा कहो लड़की कारण क्या है। महाराज बलि आप हैं। बलि ने कहा हाँ हम राजा बलि। और बलि के बगल में अमृत का घड़ा लगा। महाराज मैं ये पूछना चाहती हूं मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई। बलि ने कहा इस समय हमारा युद्ध चल रहा है, इस समय विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने थोड़ा मुंह टेढ़ा किया चलो तुम नहीं करते तो किसी देवता से कर लेती हूं। बलि सोचने लगा अगर मौका निकल गया देवता से विवाह कर लिया तो ऐसी सुंदर स्त्री हमें कभी नहीं मिल पाएगी। बलि ने कहा ठीक है हम विवाह कर लेंगे तो चलो ना। किस बात पर झगड़ा है। बलि बोला ये अमृत का जो घड़ा है इसके ऊपर झगड़ा। भगवान ने मुस्कुराती को दिखाना उस घड़ा को बलि के बगल से और अपनी बगल में ले लिया। अगर कोई पड़ोसन भाभी सुंदर है ना देखने में जस्सू भैया और जेब में हाथ डाल के 500 को नोट निकाल ले तो हाथ में से छीनने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। खुशामती करो ये भाभी ने सब्जी ला तो ने दे दो। इतनी औकात नहीं तुम छीन लो उसके हाथ से। क्यों उसका प्रेम ही तुम्हारे ऊपर ऐसा जाल फंसा हुआ है। घड़ा बगल में आ गया। बलि कहता ये घड़ा हमें दो। भगवान बोले मैं घड़े का क्या करूंगी। फैसला कर लो और हम तुम रंग महल में चलते आनंद मनाएंगे। इस अमृत पर अधिकार तो देवताओं का भी है। बलि ने कहा अधिकार तो है लेकिन हम देवताओं को पीने नहीं देंगे। भगवान ने कहा बंटवारा कर लो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं तुमसे विवाह करके बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बलि सोचने लगा बड़ी सुंदर कन्या है और हमसे विवाह के लिए तैयार है तो क्यों ना इस फैसले को मान लिया जाए। कहा हे देवी आपकी जैसी इच्छा। भगवान ने इशारा किया देवताओं को एक तरफ लाइन से और एक तरफ राक्षसों को लाइन से बिठा लिया। अब भगवान देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक राक्षस बोला महाराज ये अन्याय हो रहा है। अरे एक देवता को पिलाओ तो एक राक्षस को पिलाओ। बलि कहने लगे लड़की ये क्या कर रही हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए बराबर बराबर बंटवारा करो। भगवान मुस्करा के बोले बड़े भोरे हो, इसमें पतला पतला अमृत ऊपर है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है और पतला पतला अमृत देवताओं को पिला के बहका देती हूं, गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगी तुम ताकतवर महाशक्तिशाली बन जाओगे। बलि कहने लगा वाह फैसला सही हो रहा है होने दो, पर ध्यान रखना कि पर नारी की प्रीति भूसकी न बनी।
नीचे ऊंट बंधो जो पत्ता ही पत्ता सूते गो में जब युद्ध करते रहे लड़ते रहे देवता अमृत पीते रहे सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का राक्षस आके बैठ गया और जब सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु बैठा तो सूर्य चंद्रमा ने एकदम कहा भगवान ये राहु देवता का रूप धारण करके बैठा और तब तलक अमृत पी रहा था कंठ तक पहुंचा और घड़े में भी अमृत समाप्त हो गया। भगवान ने घड़ा पटक दिया सुदर्शन चक्र लिया सर काट दिया मरा नहीं एक राहु और दूसरा केतु बने।